तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ वाईफाई फीचर। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि सैमसंग की टॉप लोड या फ्रंट लोड सभी वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई का फीचर मिलता है, तो उस वाईफाई के थ्रू हम लोग अपने वॉशिंग मशीन को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे अपने इस लाइव डेमो वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग अपने वॉशिंग मशीन को कर लेते हैं यहाँ से ऑन। ये हमने अपना वॉशिंग मशीन यहाँ से ऑन कर दिया। आप अपने स्मार्टफोन में, टैबलेट में या अपने आईपैड के अंदर स्मार्ट थिंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है, जो कि सैमसंग का ऑफिशियल ऐप है। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आप स्मार्ट थिंग लिखेंगे तो ये आपको सैमसंग का ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, स्मार्ट थिंग ऐप, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसको डाउनलोड करके और आप एक बार आपको सैमसंग की आईडी पे अपना आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपसे इसे यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने अपने वॉशर के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मार्ट कंट्रोल का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके वॉशिंग मशीन के ऊपर एपी करके साइन लिखा आ जाएगा और देखिए वॉशिंग मशीन ने ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है। इसको मैं यहाँ पे ऐड नाउ कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट टाइम जब आपने स्मार्टफोन से या टैबलेट से अपने वॉशर को कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनिशियली टाइम लग सकता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर एपी का साइन आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इसमें नेटवर्क के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ। आप मैसेज देख सकते हैं, इट मे टेक सम टाइम टू कनेक्ट वॉशर टू योर फोन, प्लीज वेट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर मेरे वाईफाई के सारे नेटवर्क्स आ गए हैं, जिसमें से मैं इसमें 2G वाले नेटवर्क के अंदर मैं ऑलरेडी पासवर्ड डाला हुआ है मैंने, तो पासवर्ड डाल के मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। तो वाईफाई इंफॉर्मेशन इज बींग सेंड टू द वॉशर सो इट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब यहाँ पर यह है कि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है हमारा वॉशिंग मशीन। ये देखिए योर वॉशर इज बींग रजिस्टर्ड टू योर सैमसंग अकाउंट। तो हमारे सैमसंग अकाउंट के अंदर हमारा ये वॉशिंग मशीन रजिस्टर हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेस का ऑप्शन आ गया एंड डिवाइस नेम के अंदर वॉशर लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इस वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है मैं वो नाम डाल देता हूँ, WAATBG4686BV। ठीक है, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैंने इसका वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर डाल दिया। इसको यहाँ से मैं इसे डन कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का होम डैशबोर्ड आपको इस पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सबसे जो पहला वाला स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम आपने सेट किया है उस प्रोग्राम का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगा, उसका नेम आएगा, उस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज की हुई है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। और इस प्रोग्राम को आप यहीं से सेंड टू द वॉशर, आप यहीं से आप वॉशिंग मशीन के अंदर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर साइकिल है नॉर्मल का, इसको मैं अगर टच करूँगा तो यही वॉशिंग के प्रोग्राम्स जो आपको अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर दिखते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, यही सेम सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इस प्रोग्राम का आपको यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन भी शो करता है कि किस प्रोग्राम के अंदर मशीन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है। इस तरह से जैसे इसके नॉर्मल वाले प्रोग्राम पर मैं क्लिक करता हूँ, ये इसको डन करता हूँ, तो ये मेरा नॉर्मल वाला प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मशीन ने एक बार रिंस टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, स्पिन लेवल 3 मतलब मीडियम लेवल का स्पिन ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वाटर लेवल मतलब ऑटो सेंसिंग मतलब लॉन्ड्री के वेट के हिसाब से मशीन वाटर लेवल एडजस्ट करेगी, एंड वॉश टाइम इसने 18 मिनट्स का सेट किया हुआ है। अब इस सेटिंग्स को मुझे अगर कस्टमाइज़ करना है तो मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं रिंस में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं रिंस ऑफ भी कर सकता हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो डिपेंड करता है किस तरीके का फैब्रिक मैं वॉश कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं रिंस टाइम को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, देन स्पिन का लेवल अगर हैवी कपड़ा है तो आप लेवल 5 कर सकते हो, या फिर आपने रिंस और स्पिन होल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो, डेलिकेट है तो लेवल 1 कर सकते हो, तो मैं इसे मीडियम पे सेट कर देता हूँ। वाटर लेवल ऑटो सेंसिंग है मतलब फैब्रिक के वेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वाटर को ये लेवल को एडजस्ट करेगी, बट आप इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे लेवल 5 पे सेट करके डन कर देता हूँ। देन इसका वॉश टाइमिंग है, वॉश टाइमिंग को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
लाइक 6 मिनट से लेके 30 मिनट तक का वॉश टाइमिंग है, तो जो भी वॉश टाइम आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके साथ वो रिंस और स्पिन का टाइमिंग कंप्लीट ऐड होके आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसको मैं इसे 18 मिनट्स रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है इको बबल, इसका इन्फॉर्मेशन में लिखा है यूज़ बबल स्टॉर्म फॉर लेस वाटर बट एफिशिएंट वॉशिंग, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एडिशनल ऑप्शन है जो हम अपने वॉशिंग प्रोग्राम के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ सेकेंड ऑप्शन मिलता है आपको सुपर स्पीड का। कई कस्टमर पूछते हैं जो सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर जो ये ब्लू कलर का कैप होता है इसमें से वाटर कब आता है, तो जब आप नॉर्मल प्रोग्राम के साथ आप सुपर स्पीड वाले ऑप्शन को ऐड करते हैं देन वहाँ से भी मशीन वाटर का स्प्रे करती है, तो इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंटेंसिव वॉश का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सोकिंग टाइम फॉर बेटर स्टेन रिमूवल, तो इंटेंसिव वॉश के अंदर आपको वॉशिंग क्वालिटी और बेटर मिलेगी एंड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको सोकिंग का फीचर मिल जाता है, तो इस वॉश ऑप्शन को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारा कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो और ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके यहाँ पर आ चुका है। अब इसे मैं सेंड टू द वॉशर करूँगा, ये देखिए अब यहाँ पर लिखा है सेटिंग सेंड टू वॉशर, टू स्टार्ट द साइकिल टैप द स्टार्ट बटन ऑन योर वॉशर, ये नोटिफिकेशन को मैं ओके कर देता हूँ। तो कोई भी अप्लायंस आप किसी भी कंपनी का परचेस करें जिसके अंदर आपको वाईफाई मिलता है, तो वाईफाई के थ्रू आप सिर्फ सेटिंग्स को ही कस्टमाइज कर सकते हैं, उस अप्लायंस को वाईफाई के थ्रू आप ऑफ नहीं कर सकते और ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी ब्रांड्स के साथ है, तो यहाँ से मैंने सेटिंग्स अपने इस वॉशर के अंदर भेज दिए, आप देखेंगे नॉर्मल का 1 घंटा 15 मिनट का मशीन ने टाइम दिखा दिया सारी सेटिंग के साथ, बट मुझे वॉशिंग मशीन को ऑन करने के लिए इसमें मैनुअली बटन को प्रेस करना है, तो यहाँ से मैंने मैनुअली प्रेस किया। देखिए इन्फॉर्मेशन में आ रहा है सेंसिंग द लोड, वॉशिंग मशीन अभी लॉन्ड्री का लोड सेंस करके देन अपना सारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने सेटिंग्स करके हम वॉशिंग का कमांड अपने वॉशिंग मशीन के अंदर भेज सकते हैं। इसमें ऐसे मैं पॉज करके फिर से ऑन ऑफ कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डाउनलोड साइकिल की। आपने वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे प्रोग्राम के साथ आपने ऑप्शन देखा होगा डाउनलोडेड का। डाउनलोडेड का मतलब आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम सेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपको आपके वॉशर के ऊपर नहीं मिलता है। अब जैसे ये इनबिल्ट हीटर वाला वॉशिंग मशीन है, तो इसके अंदर जो आपको हीटिंग का प्रोग्राम मिलता है वो हाइजीन स्टीम वाला मिलता है, तो ये सिंगल प्रोग्राम आपको मिलता है इसके कंट्रोल पैनल पे। बट डाउनलोड साइकिल के अंदर आपको ये कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो आपको वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे नहीं मिलते हैं, लाइक टॉवल्स का, साड़ी का, सोप का, क्लीन वॉश, स्पिन ओनली, सुपर क्लीन एंड स्टेन वॉश, तो ये सभी प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं अपने इस डाउनलोड साइकिल के अंदर जो आपको डायरेक्टली अपने कंट्रोल पैनल पे नहीं मिलते। अब इसमें से अगर मैं हीटिंग वाले प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर एक टॉवल्स वाला प्रोग्राम मिलता है जिसके अंदर हीटर के थ्रू मशीन वॉशिंग करती है। इसमें लिखा हुआ है वॉश बार टॉवल्स, वॉश क्लोथ्स एंड मैट्स एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर मतलब वॉशिंग मशीन पानी गर्म करके इसमें वॉशिंग करेगी। देखिए सेकेंड ऑप्शन मिलता है इसमें स्टेन वॉश का। स्टेन वॉश के अंदर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इफेक्टिवली रिमूव स्टेन्स फ्रॉम हैविली सॉइल्ड आइटम बाय हीटिंग द वाटर इन द वॉशर, मतलब इस वाले प्रोग्राम के अंदर भी वॉशिंग मशीन पानी गर्म करके वॉशिंग करेगी। तो बेसिकली सैमसंग के इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर जो हीटिंग वाले प्रोग्राम मिलते हैं, एक आपको हाइजीन स्टीम मिलता है डायरेक्ट प्रोग्राम, दूसरा आपको टॉवल्स और स्टेन वॉश का आपको इस डाउनलोड साइकिल के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मिलता है साड़ी का, लाइक साड़ीज वगैरह अगर आपने वॉश करनी है तो इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सोकिंग का प्रोग्राम मिल जाता है, तो सोकिंग के हिसाब से आप वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको और बेटर मिलते हैं। इस हिसाब से आपको क्लीन वॉश का प्रोग्राम मिल जाता है, स्पिन ओनली, सिर्फ आपने स्पिन करना है तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम आपको यहाँ से मिलेगा। देन ये सुपर क्लीन का ही प्रोग्राम आपको यहाँ से मिल जाता है। अब इसमें से कोई भी प्रोग्राम अगर आप सेट करते हैं, यहाँ पर एक जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस प्रोग्राम के अंदर जाके प्रोग्राम सेट हो जाएगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर ये टॉवल वाला प्रोग्राम सेट करके अगर मैं इसे डन करता हूँ, तो डन करने के बाद ये जो डाउनलोडेड वाले ऑप्शन के अंदर अब मेरा ये जो प्रोग्राम जो है सेट हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसमें वॉशिंग साइकिल को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा डाउनलोड वाले प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम चला के देखिए यहाँ पर टॉवल्स दिखा दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसे प्रोग्राम को चेंज करना चाहूँ तो सपोज मुझे अगर यहाँ पर ये स्टेन वॉश सेट करना है तो यहाँ से मैं इसे डन करूँगा, तो अगर फिर से मैं इसे अगर रोटेट कराता हूँ प्रोग्राम को, तो डाउनलोड वाले प्रोग्राम के अंदर मेरा अब ये स्टेन वॉश वाला प्रोग्राम सेट हो गया है।
मुझे अगर बार बार वही प्रोग्राम यूज़ करना है तो मैं बार बार इसको वाईफाई के थ्रू ऐड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा एक बार, तो उसमें डायरेक्ट बटन से मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे सेंड टू द वॉशर भी करके सेंड कर सकता हूँ। देन इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको लॉन्ड्री रेसिपी का। लॉन्ड्री रेसिपी के अंदर मतलब आप देख सकते हैं कि व्हाट आर यू वॉशिंग, मतलब आप किस तरीके का लॉन्ड्री आप वॉश कर रहे हैं आप वॉशिंग मशीन को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप एवरीडे क्लॉथिंग के अंदर जाएंगे तो टी शर्ट, शर्ट्स, ब्लाउज, कार्डिगन्स, स्वेटर्स वगैरह, तो मतलब आप चूज़ कर सकते हैं किस तरीके का मैं इसमें कपड़ा वॉश करने वाला हूँ। सपोज मैं यहाँ पर टी शर्ट सेट कर लेता हूँ, जीन्स और पैंट्स, ठीक है। देन इसके साथ यहाँ पर ये मैं अंडरवेयर को भी ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है तो डिस्कवर द बेस्ट साइकिल फॉर यू, तो जो ये कलर पूछ रहा है कि वाइट हैं कलर्स हैं कि डार्क हैं, सपोज मैं इसे कलर पे रहने देता हूँ। देन इन कपड़ों का ये सॉइल लेवल पूछ रहा है कि लाइट है, नॉर्मल है कि हैवी है, इसे मैं नॉर्मल पे रहने देता हूँ। देन ये अमाउंट ऑफ लॉन्ड्री पूछ रहा है कि मुझे लोड है लॉन्ड्री का वो स्मॉल है, मीडियम है कि लार्ज है, तो उसको मैं मीडियम पे रहने देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके गेट सेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे दो प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल का 45 मिनट्स का, एक जीन्स का 58 मिनट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब जिस टाइप के लॉन्ड्री आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश करने वाले हैं आप वॉशिंग मशीन को बता सकते हैं, तो बेस्ट साइकिल वॉशिंग मशीन आपको सजेस्ट करेगी। तो यहाँ से मैं इसमें से कोई भी साइकिल को सेंड टू द वॉशर करके मैं सेंड कर सकता हूँ। ये देखिए ये 45 मिनट का प्रोग्राम वॉशिंग मशीन ने सेट कर लिया। देन इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एनर्जी मॉनिटरिंग का भी फीचर मिल जाता है। तो आप अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो पूरे वीक में या पूरे मंथ में इस वॉशिंग मशीन ने वॉश करते हुए कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसको भी आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये एनर्जी मॉनिटरिंग का फीचर भी आपको अपनी इस ऐप के थ्रू इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है।